सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो आपके साथ में टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ में ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप सभी का जो रिस्पांस था वो काफ़ी पॉजिटिव था, और मुझे वहाँ से ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट सी एक नीड है, इसीलिए इस वीडियो को मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस पर मैं क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, और मैं आप मेरे जो अभी टारगेट में है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली भी टारगेट में है, वो वाले हैं जो कि भी एग्जामिनेशन हमारा आने वाला है। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी हुई है, लेकिन उनको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि उन्हें लग रहा है कि किसी सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, यानी कि कभी कभी हमारे पास डिफ़िकल्टी आ जा रही है, क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा, ऑल्दो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या होगा। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए किसी कारणों से, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी बचे हुए टाइम में हम डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं, हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, वो क्या है वो बताओ, तो मैं वो बताने आ रखा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो पहले उनको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, जो जिनको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम हो रही है, जबकि उन्होंने पहले उस चीज़ को पहले पढ़ा हुआ भी है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको मैं बोल रहा हूँ, बात छोटी सी है लेकिन है बहुत गहरी वाली, वो ये कि अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए बात करें, अभी मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्या होता है ना, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट एक बहुत बड़े गलतफहमी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या है। एक बात तो ये कि आपके पास जो वो बुक्स हैं जो अदर देन NCERT है, सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात, जो अदर देन NCERT है, हमने उन बुक्स को पढ़ा, उन बुक्स को उठाया, और उन बुक्स के क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, उस बुक का हमने साइज़ देखा, इन सब चीज़ों को देखकर हमने अपने मन में एक एंटिसिपेशन करने लग गए, एक एनालिसिस हमारे मन में चल रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है, जबकि बात बहुत सिंपल सी है। 100 मार्क्स स्टूडेंट्स लाके चले गए आपसे पहले वाले मैथमेटिक्स में, बहुत, जबकि मजे की बात है आपको उनसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी होगी, आपका जो एनालिटिकल अप्रोच होगा, आपके जो सोचने का तरीका होगा, हो सकता है आपका वो 100 मार्क्स वाले से ज़्यादा हो, लेकिन आपके 100 नहीं आएंगे अगर आप यही गलतियाँ कर रहे हैं। तो गलतियाँ ये हैं कि हम क्या सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो हम ट्वेल्थ के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सच में, ठीक है ना। सेशनल एग्जामिनेशन, खासतौर से बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको पता है आप यहाँ साइंस कम आर्ट ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर आर्ट होनी चाहिए पढ़ने की, एक प्रॉपर आपके पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के तरीका का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं रहा और हमने पूरी सजा सजा के वहाँ पर क्वेश्चन को लिखा, ये नहीं कह रहा। एक हमारे पास आर्ट ऑफ लर्निंग होना चाहिए, आर्ट ऑफ लर्निंग का मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहला जो काम है, मैंने आपके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सबसे पहला, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, और यही भूल हमें बार बार घुमाने में लगी हुई है, गोल गोल चक्कर मरवाने में लगी हुई है, ठीक है ना। इसलिए पहले सबसे पहले ये सोचो आपको प्रॉब्लम है क्या, ये ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं। बस हमें पता नहीं आदत पड़ गई है घूमने की, बस हम घूमते रह रहे हैं। हम एक बार अगर रुकें थोड़ा सा ना एक जगह पे, और रुक कर एनालिसिस करें कि अपनी प्रॉब्लम क्या है, उनकी जरा लिस्टिंग करें एक बार कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको लिस्ट में लाएं जरा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बस हम एक ही चीज़ को बार बार फॉलो कर रहे हैं, अब वो चीज़ क्या है, हमारे मन में पता नहीं कहाँ पर एक चीज़ आके बैठ गई कि नहीं हो रहा, तो हम उसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन में ले आ रहे हैं, कैसे भी करके एनवायरनमेंट ऐसा तैयार कर दे रहे हैं कि ना हो आपके लिए वो चीज़, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है, जितनी घर में अदर देन NCERT बुक है ना, पहले उनको एक बार साइड रख दो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, तब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहली बात, जिनका बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है भाई, सबसे पहले मेरा एक काम करो, जो आपका घर का कोई कोना सा होगा ना, उस तरफ ले जाके अदर देन NCERT बुक को रख के आ जाओ एक बार। सिर्फ अपनी जो आपकी स्टडी टेबल है उसमें NCERT की दो बुक, Part 1 Part 2, बस ये रखो, और एक आपकी रफ कॉपी जिसमें आप वर्क करते हो, और एक आपका पेन, बस इतनी चीज़ रखो। अब 10-10, 15-15, 20-20 बुक आपने बगल में रख रखी है, कहाँ से समझ में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़े हायर लेवल के क्वेश्चन जो कभी आज तक ना पूछे गए ना पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, जिस तरह के आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो अच्छी बात है क्वेश्चन करना ना, लेकिन अगर आप सच में चाह रहे हो कि यार मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड होकर पढ़ना चाह रहे हो, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत पढ़ोगे बाद में, फिर आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं बाद में ऐसा कह सकते हैं कि बोलेंगे कि सर हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए जितना हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा ही गलत था, वो आना ही नहीं था एग्जामिनेशन में, चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो। से मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेक्शन का एग्जाम है बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए सबसे पहली बात आपको बिल्कुल
क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी कि क्या नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूँ क्या नहीं पढ़ना, मैं आपको अदर देन एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छूना, बिल्कुल भी नहीं छूना, चाहे कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना बोल दे। अगर आपको ज़्यादा ही एनालिसिस करने का शौक है, मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, है ना। प्रीवियस ईयर में कोई ठीक ठाक से जो स्टूडेंट हो जिन्होंने डिसेंट स्कोर किया उनसे पूछो, किसी से भी मत पूछ लो, है ना, किसी से भी मत पूछ लो कि क्या होता है, कोई भी आपको डरा सकता है। अब मुझे बताओ 100 में से एक बार कभी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, पजलिंग टाइप क्वेश्चन कभी आ गया जो कि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप कर लोगे उसे डेफिनेटली, और वो कहीं ना कहीं किसी बुक में बाहर पे लिखा हुआ है, हम सोच रहे हैं इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्ट, लेकिन पैटर्न वाइज सब कुछ उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल रहा है किसी और बुक से। अब हमने क्या सोच लिया कि हाँ इस बुक से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, बड़ा फिक्स होकर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास रखने, स्पेशली मैं भी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट बुक, सिर्फ सेकंड बुक ऑफ एनसीईआरटी आपने अपने पास रखनी है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद इसमें आपने सब उन टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश करो जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में, आपको इतना ही पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक आपके हिसाब से डिफिकल्ट है, कौन सा आपके हिसाब से इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, कौन सा आपके हिसाब से सिंपलेस्ट टॉपिक में आपको लगता है। कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें आपको अच्छा फील आता होगा। और एक और बात ध्यान रखना, दूसरों के कहने पर मत आना। जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको कह रहा कि यार प्रोबेबिलिटी ना बहुत मुश्किल है और आपको आसान लग रहा, कभी कभी कोई कह रहा मैट्राइसिस ना बहुत ईजी है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना इवैल्यूएशन दूसरे के आधार पे मत करना, क्योंकि क्या पता उसको वो चीज़ें पता थी नहीं थी, क्या पता पीछे का बैकग्राउंड था नहीं था, ये सब बातें मैटर करती है। तो इसीलिए आप अपने आप को दूसरे से रिलेट मत करो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, दूसरा डिफरेंट पर्सनालिटी है, किसी के लिए कुछ हार्डर है, किसी के लिए कुछ सिंपलर है, तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस है। लेकिन फिर भी आपने मोर और लेस अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अपना हिसाब किताब बनाओगे, तो आपको दिखेंगे 3-4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक ईजी है, जो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपने थोड़ा सा भी अगर इनपुट दे दिया तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं उसमें मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट्स पहले नंबर पे आते हैं। मैट्राइसिस डिटरमिनेंट सबसे इजीएस्ट टॉपिक है अगर आप इन्हें पढ़ो तो। ऐसा नहीं है कि इजीएस्ट का मतलब कि आप पढ़ोगे भी नहीं तो आंसर आ जाएगा, ऐसा वाला भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, आपको मतलब कम लोड देना पड़ेगा, आप आसानी से इसमें अच्छा इनपुट ले आउटपुट ले सकते हो कम इनपुट पर। कौन से मैट्राइसिस डिटरमिनेंट। उसके बाद फिर अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, थोड़ा सा अपग्रेड करोगे अपने को, सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट है रिलेशन फंक्शन में, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मजे की बात तो ये है, सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपने तरीके से पढ़ ले, जो मैं 50 बार कराता हूँ, मैंने 50 बार करा दी, कितने बार मैंने मैराथन ले ली, कितने बार मैंने अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस ले ली, कितने बार मैंने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया, अगर किसी ने एक बार भी वो लेक्चर देखा था तो उसकी नज़रों में आज वो रिलेशन फंक्शन इतना सा लेक्चर बन चुका है, इतना सा छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा। रिलेशन फंक्शन से जुड़ा हुआ चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, पता है ये बात, पता है ये बात। ऐसा नहीं कि यूनिट में एक है तो ये जुड़ा हुआ है, इन्वर्टिबिलिटी। अब वो इस बार आपके सिलेबस में कुछ रिडक्शन वगैरह हुए थे जिसके कारण इन्वर्टिबिलिटी पढ़ने को आपको मिली नहीं मिली वो मुझे नहीं पता, उसका लिंक है वहाँ पर। इसीलिए मैंने जब अपनी ये आपको सीरीज कराई थी, मैंने इन्वर्टिबिलिटी पढ़ाई थी आपको, पूरे लेवल तक पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता था वो आगे यूज़ होना है। इन्वर्टिबिलिटी है, उसके साथ जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है गॉफ फॉक, इसका बहुत तगड़ा यूज़ है, इसी से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और आपको पता है पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैसे ही छोटा लेसन था, 2 एक्सरसाइज थी, अब तो वो और कम हो गया, ठीक है ना, तो काफ़ी लिमिटेड हो गया। और ध्यान रखना इस बार थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कमियाँ हो रही हैं, रिडक्शन हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि वो ये मानकर चलेंगे कि पेपर इस बार कंपैरेटिवली ईजी बनेगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है वर्स्ट के लिए, आपको तैयार रहने की सबसे वर्स्ट पेपर बनेगा इस बार, आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर बेस्ट होगा। पहले से ये मत सोच के जाना कि सिंपल पेपर बनेगा, मैं कह भी नहीं रहा सिंपल बनेगा, ठीक है ना, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ये डिसाइड करेगी कि पेपर ईजी है या पेपर डिफिकल्ट है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी मैथ्स की, देखो इंटीग्रेशन के लिए बोलते हो आप लोग, कैलकुलस के लिए, कैलकुलस नहीं हो रहा, बताऊँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग अदर बुक से पढ़ लो, अपने आप से पूछो, मेरे से मत पूछो, आप अपने आप से पूछो, और मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मुझे जरूर बताओ, कि जब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो आपको क्या सच में एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, या फिर आपने दूसरी तीसरी बुक उठा रही है कहीं सैंपल पेपर, सैंपल पेपर में भी आप गलती करते हो, सैंपल पेपर भी आप कोई भी उठा देते हो जिसका कोई भी लेवल है नहीं बोर्ड के साथ मिलता हुआ, सैंपल पेपर भी तो ऐसा उठाएं जो कि एक जेन्युइन हो, जो बोर्ड स्टैंडर्ड की चीज़ें आपसे पूछता हो। अब हमने देखा कि यार इस सैंपल पेपर में खतरनाक क्वेश्चन मिल रहे हैं तो सैंपल पेपर अच्छा हो गया, उससे मतलब नहीं है,
सैंपल पेपर वो अच्छा है जो बोर्ड के लेवल पे चल रहा है, ना तो हाई ना तो लो। अब हम क्या सोच रहे हैं, इसमें टफ क्वेश्चन है, इसका मतलब सबसे अच्छा सैंपल पेपर, इसे निपटा लो कैसे भी करके कर लो, बस आ जाएंगे पूरे नंबर, बिल्कुल नहीं आने के, है ना। अपने दिमाग को हम पहले ही वहाँ स्विच करके रख रहे हैं ऊंचाई में, और हम बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पे भी अपने ही लेवल का दिमाग चला देते हैं, और वहाँ पे इजी क्वेश्चन को भी फिर हम गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए मेरी पूरी बात का एजेंस एक छोटा सा है, वो ये है स्टूडेंट्स कि हमें ना मतलब बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना, ना तो अबव जाना है ना तो बिलो जाना है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर आने वाला है हर साल का, आप एग्जैक्ट पेपर उठा के देखा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखा करो, सैंपल पेपर को सेकेंडरी उसमें रखा करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, खुद एक बार उठाओ क्या करो। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी आपके पास एक जेन्युइन टाइम एक बचा हुआ है आपके पास आपके एग्जामिनेशन के आने के लिए। इसमें आपको क्या काम करने हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे बाद में, वो मैं आपको एज अ टिप आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं तो रख ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एक एक क्वेश्चन करना। अभी जैसे मान लेते हैं कि आपने फिफ्थ, देखो मैंने वन शॉट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, है ना, मैं वन शॉट्स बनाऊंगा अभी आपके लिए, मैं सिर्फ बातें ही करने के लिए नहीं आ रखा यहाँ पर कि बस आपको बोलते रह रहा हूँ और पढ़ लो जैसे भी पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपके साथ, बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के चल चल के चल रहा हूँ आगे। ऐसे ही मैंने कितनों को पार करा दिया हाथ पकड़ पकड़ के, है ना। आप ही के इसी सेशन में कितने लोग हैं, जैसे आप हो सकता है मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने अभी तक देखा ना हो, लेकिन आप ही के सेशन में आप ही के क्लासमेट कितने सारे हैं जिन्होंने, जिनका अभी तक नहीं था अच्छा कुछ भी, उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया अभी के टाइम में, आप ही के साथ के हैं वो इसी समय। मैंने उनको वन शॉट्स कराए, मैंने उनको डिटेल लेक्चर कराए, मैंने उनको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराई, मैंने स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी की होती है वो उसमें मैं सेशन लेता हूँ, दो दो तीन तीन घंटे का। क्यों लेता हूँ, वरना तो क्या है चैप्टर में आधे घंटे एक घंटे में आराम से निपटा लो, आराम से। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा तेज कोई पढ़ा नहीं सकता है ना, लेकिन मैं पढ़ाता बहुत धीरे हूँ। फिर धीरे का मतलब मैं पढ़ाता बिल्कुल ईजिएस्ट वे में, मतलब क्या बोलूँ मैं अपने लिए बोलूँ ईजिएस्ट, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ईजिएस्ट वे में कहने का मतलब ये है कि मैं ना उसमें थोड़ा सा इस लेवल के स्टूडेंट को एड्रेस करता हूँ हमेशा ही, जो कि जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा होता, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा था मैं उन्हीं को हमेशा एड्रेस करता हूँ। मजे की बात यह है कि जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं वो क्लास के टॉपर होते हैं। मुझे, मैं वैसे नहीं कह रहा, मुझे खुद वो बताते हैं कि हमारा स्कोर बताते हैं, मुझे अपनी मार्कशीट भेजते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते हैं, तो मुझे लगता है वास्तव में मुझे एक बात समझ में आती है कि जो टॉपर्स हैं फिर वो कुछ और नहीं पढ़ रहा, वो डिटेल से पढ़ते हैं इसीलिए वो टॉपर बनते हैं, है ना। वो टॉपर बने इसलिए क्योंकि उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा, ठीक है ना। और इसमें मेन बात क्या है कि मेन जिनको मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट हैं वो बेचारे इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, मेरा हमेशा जो टारगेट रहता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना है, वो हमेशा टारगेट में वही स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, जिनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़ी चीज़ बन जाती है आगे जाकर, समझ में आ रही बात। इसीलिए मैं जो लेक्चर्स लेता हूँ, चाहे मैं स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए, आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, आपके जो भी डाउट्स होते हैं मेरे से पूछिए एक बार प्रॉपर। एक हमारे बीच में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जिनके नाम मुझे याद है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके नाम मुझे क्यों याद हो गए, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर और आपका कोई इंटरेक्शन नहीं मेरे साथ, कोई फ़ायदा नहीं फिर उस लेक्चर का देखने का आपके, है ना। अगर आपके मन में छोटी सी भी क्वेरी उठ रही है, क्योंकि चलो क्लासरूम में तो मान सकते हैं कि हम खड़े होकर नहीं बोल पा रहे, हम सोच रहे हैं कि चलो बहुत बातें कि नहीं बोल रहे हम खड़े होकर टीचर से क्वेश्चन, यहाँ क्या है वर्चुअली वो कौन जानता है आपको, कोई भी नहीं जानता। जो भी डाउट है तुरंत पूछ लो, उसी समय रिजॉल्व हो जाएगा, इससे अच्छा क्या चाहिए बताओ, है ना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक बोला जाता है कि गिरते सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर हमें एंग्जाइटी फील हो रही है, कहीं कोई क्वेश्चन करते समय आप कहते हैं ऐसा, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, स्ट्रेस आ रहा है क्वेश्चन करते समय, हमने पहले जो चीज़ पढ़ी है पता नहीं क्यों लग रहा है वो सब गायब होती रह रही है, तो ये आप ही के लिए मैंने ये बात बोली थी अभी कि गिरेगा वही जो सहसवार होगा, जो घोड़े पर होगा वही नीचे गिर सकता है। अब जो घुटने बल चल रहा वो नीचे क्या गिरेगा बताओ। इसीलिए आप लोग शहर सवार हो सबके सब, ठीक है ना। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर के उठना बड़ी बात है, और आपको उठना है। और मैं पहले ही बताता हूँ कोई गिरा गुरा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो अपने मन का एक माइंड सेट है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, मैंने पहले ही से कहा पॉजिटिव रहना है। कोई भी सब्जेक्ट है देखो, सबके सब चीज़ें पैसिव चीज़ें, बुक है वही बुक है जो 2, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 30 सालों से चली आ रही है, वही बुक आप पढ़ रहे हो।
कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और आप लोग 21st सेंचुरी के लोग, 21st सेंचुरी अभी तक की सबसे डेवलप्ड जो इरा है उस इरे के आप स्टूडेंट हो, तो आपके सामने ये बुक क्या है? वो रखती है आपने, है ना, इसलिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, एक बार अपने आपके लिए स्ट्रक्चर बना ले कि कैसे कर कर हमें चीज़ों को करना है, जो मैंने बातें बताई अगर इनको आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप नीचे भी लिखना। पूरी बात का एजेंस अगर मैं कहूँ लास्ट बात का, वो इतना सा है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज पे स्विच नहीं करना, बिल्कुल भूल के भी ध्यान रखो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ NCERT के साथ स्टिक होना है। अगर आपने NCERT का हर एक एक क्वेश्चन कर लिया तो NCERT के सारे एग्जाम्पल करो। अगर NCERT के सारे एग्जाम्पल भी हो गए तो NCERT मिसलिनियस, ये बेसिकली पहले करनी है आपको, सारे मिसलिनियस कर दो, सारे एग्जाम्पल कर दो, NCERT के सारे क्वेश्चन कर दो। ये तीन जब काम हो गए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का भी तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐसे करो कि चैप्टर वाइज, जैसे आपने वेक्टर 3D पढ़ा तो सिर्फ वेक्टर 3D से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर में क्या क्या आए थे, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर कोई मतलब ही नहीं है 100 out of 100, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे बोलने से आपके 100 नहीं आएंगे, आप खुद बोलोगे कि भाई 100 नहीं आएंगे तो और क्या आएगा, मुझे सब कुछ आता है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो तभी आएगा स्टूडेंट जब आप उसके लिए एक प्रिपरेशन करोगे प्रॉपर, जब आपकी प्रॉपर एक प्रिपरेशन लगी अपने आप कॉन्फिडेंस वहीं से जन्म लेगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतनी, अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आपकी जो क्वेरी होती है उन्हीं को देखकर मुझे समझ में आता है कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतनी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।